हाय फ्रेंड्स, जीत राजेश के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ, आप इंस्टाग्राम में कुछ भी सर्च करते हो, किसी का अकाउंट सर्च करते हो या किसी का नंबर सर्च करते हो कि हम किसी के अकाउंट खोजना है, तो वो सर्च हिस्ट्री में हमेशा आपका शो करता है। जैसा कि मैं आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है, इसके बाद अपने यहाँ सर्च पे आते हैं। सर्च पे आएंगे, सर्च के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हो मैंने कुछ सर्च नहीं किया और पूरा इसमें देख सकते हो शो कर रहा है। जो जो मैंने प्रोफाइल को सर्च किया वो सभी प्रोफाइल यहाँ पर शो कर रहा है। हो सकता है मैंने कुछ अलग प्रोफाइल्स को सर्च किया होगा जो नॉन वेज होगा या फिर 18 प्लस होगा, तो वो भी सर्च किया होगा, तो यहाँ सब शो कर रहा है। अगर कोई किसी के सामने मैं ओपन करता हूँ तो पूरा ये सर्च हिस्ट्री देख सकते हो, देख सकता है कोई भी देख सकता है। और यहाँ सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा कोई भी देख सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो हिस्ट्री को हम कैसे डिलीट कर दें और डिलीट करके ख़त्म कर दें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं कि आप अपने सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हो। तो पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। जैसे कि मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर चुका हूँ, ओपन करने में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ पर सर्च आते हैं, सर्च पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ सर्च पर क्लिक करके देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो सी ऑल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ देख सकते हो सी ऑल का ऑप्शन है। तो आपको सबसे पहले यहाँ करना है क्लियर ऑल पर क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लियर ऑल पर क्लिक कर देना है, ये क्लियर ऑल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर से फिर से वो वापस आ जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक कर लेंगे, इसके बाद थ्री डॉट्स पे हम क्लिक कर लेंगे। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका होगा। इसके बाद आपको करना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ऑप्शन दे रहा है अकाउंट सेंटर का। अकाउंट सेंटर पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि मेन सेटिंग यहीं पर होता है। यहाँ से ओनली आपको वो क्लियर हो तो हो जाता है, लेकिन फिर से वो रिटर्न आ जाता है। आप फिर भी एक एक्स नाम सर्च करोगे तो रिटर्न आ जाएगा। इसलिए पूरा क्लियर करने के लिए आपको यहाँ से सेटिंग करना पड़ेगा, तो ही वो होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे आपका प्रोफाइल आ चुका होगा। जो जिस प्रोफाइल का आपको करना है वही प्रोफाइल आपको यहाँ पे आना चाहिए, तो ही वो डिलीट होगा। देख सकते हो मेरा प्रोफाइल आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल डिटेल है, नीचे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर्सनल डिटेल आपका पर्सनल डिटेल होगा, जो आपने नंबर डाला होगा, ईमेल डाला होगा वहाँ होगा। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है, मतलब यहाँ पर जो आपने पासवर्ड डाला होगा वो पासवर्ड का ऑप्शन है। नीचे यहाँ पर योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन है, आपको यहीं पे क्लिक करना है। यहीं पे मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, सर्च हिस्ट्री एक अपलोड कंटेंट। अब सर्च हिस्ट्री में यहीं से आपका मेन काम होगा। अपलोड कंटेंट भी आपको बताता हूँ, अपलोड कंटेंट होता क्या है। अपलोड कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो सभी का, इंस्टाग्राम जो जो चलाते हैं वो सबका प्रोफाइल आपको शो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, लेकिन सर्च हिस्ट्री आपको यहाँ हिस्ट्री डिलीट करना बता रहा हूँ। तो यहाँ सर्च हिस्ट्री पर हम क्लिक कर लेंगे। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट मेरा दो है, एक फेसबुक का एक इंस्टाग्राम का, दोनों ऑप्शन शो कर रहा है। आपको यहाँ पर सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करना है। देख सकते हो क्लियर ऑल सर्च है, तो क्लियर ऑल सर्च पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पर पहले करना है, तो इंस्टाग्राम का देख सकते हो यहाँ सर्च हिस्ट्री कर ले लेते हैं। इसके बाद क्लियर ऑल सर्च पर क्लिक कर लेते हैं। क्लियर ऑल सर्च पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो लिखा है लास्ट आवर, यस्टरडे, ऑल टाइम। आपको कौन सा डिलीट करना है, लास्ट आवर जो सर्च किया है वो केवल डिलीट करना है, या यस्टरडे आपने कल जो सर्च किया वो डिलीट करना है, या ऑल टाइम वाला। तो ऑल टाइम पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, या क्लिक पे ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ क्लियर ऑल। देख सकते हो क्लियरिंग सर्च हो रहा है, क्लियरिंग सर्च हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। जो भी मैंने सर्च किया होगा इस आईडी पे, वो आईडी का पूरा ख़त्म हो गया होगा। यहाँ पर देख सकते हो सर्च हिस्ट्री में कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। देख सकते हो यहाँ सर्च में कुछ नहीं बचा है, जो सर्च में सब आ रहा था सर्च में सबका सब ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप अपने सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।